Hello everyone, this is me Farhan. So today I am present here in Bahawalpur, Noor Mahal. So मैं दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे किस तरह का है. अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो एंट्रेंस की है, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड के थ्रू एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद जो है वह यहाँ से फर्दर हम मूव करेंगे. मूव करने के बाद ये जो है ये हमारा टिकट काउंटर आ जाएगा. यहाँ पे मैंने टिकट ली है 150 पर ई चाहिए. सो ये लेवल का नूर महल का व्यू आ गया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही आउट क्लास किस्म का व्यू है. और इसके सामने जो है वो ग्राउंड है, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको. तो बेसिकली मैं आज बहावलपुर पे हूँ. मैं आज आपके लिए लाया हूँ नूर महल. तो मैंने कहा यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं इसको एक्सप्लोर करूँ थोड़ा बहुत. तो आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पे नूर महल जो है वो बनाया हुआ है, काफ़ी पुराना है और इसको बहुत अच्छा जो है वो रखा हुआ है इन्होंने. तो देखे आए चलते हैं और देखते हैं किस तरह का आपको पसंद आता है कि नहीं आता. हमारी जो सबसे फर्स्ट जो है वो आ जाएगा हमारा तहखाना, मछली की तहखाना जिसको बोलते हैं. सो जो है काफ़ी मतलब गहरा है और अंधेरा वगैरह भी है. सो मैं तो लेके जा रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा जैसे आपको. लेकिन मजे की बात ये कि ठंडा है काफ़ी. लेफ्ट साइड पे चलते हैं. सो देयर वी गो. ओह शिट, ये क्या? अच्छा, तो फर्स्ट जो है हम पेंट्री में है. ठीक है, ये इसका बेसमेंट है और ये इन्होंने वॉल गिलास में बनाया हुआ है तो काफ़ी अच्छा है. तो नेक्स्ट इसका बेसमेंट में था जब मैं फर्स्ट टाइम पे आया था पहले, तो उस टाइम नहीं था. ये इनका किचन एरिया है तो काफ़ी अच्छा है. थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग कर दी और ये बहुत अच्छी है. ये चीज़ जो टूरिस्ट जो है जितने भी हैं उनको अट्रैक्ट करेगा. अच्छा, और ये जो नेक्स्ट पोर्शन है हम इसकी तरफ आ जाते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये कौन से ड्रेसिंग रूम, स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप रूम. ओके ठीक, काफ़ी एलिगेंट लुक है इसकी तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ. तो अच्छा है काफ़ी. लिविंग रूम एरिया, तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना क्योंकि हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं. तो ख्याल रखना है कि इस तरह की कोई ऐसी गलती ना करना. नेक्स्ट रूम पे जब हम आ जाते हैं वो है हेड शेफ रूम. बावर्ची खाने वगैरह जो है ना, वो शेफ वगैरह जो है हेड का रूम था ही. वो यहाँ पढ़ता नहीं था मतलब रहता था यहाँ पे. और कुरान पाक वगैरह कुछ भी खाना पीना हर चीज़ के यहाँ पे मौजूद थे तो काफ़ी अच्छा है. तो चलिए नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं हम, जो कि हमारे राइट साइड पे है. तो ये आ जाता है हमारा सिक्योरिटी गार्ड रूम. तो देख सकते हैं कि किस तरीके से है, तो काफ़ी अच्छा है. काफ़ी चेंज किया हुआ है तो अच्छा है ये काफ़ी. ये हमारा हो गया सिक्योरिटी गार्ड रूम. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं पुराने दौर में वो खाने वगैरह खाया जाता था यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है. ये भाई की मूछें भी हैं, इनकी नहीं है. खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब. ठीक है, तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको दिखा दी. ये इनका बेसमेंट एरिया था. ये इनकी एंट्रेंस आ जाती है नेक्स्ट. थोड़ा सा ओल्ड एशियन टाइप के ड्रेसेस जो है इन्होंने लगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा है. फ्रंट पे जो इनके हो तो कॉरिडोर में इस तरह का आता है, जहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूटिव डिनर लॉन्च वगैरह दिया हुआ है और काफ़ी दूसरे रूम्स भी हैं. और ये सेल्फी कैमरा बेस्ट है. बता भी इन्होंने तलवार भी एक लगाई हुई है, काफ़ी एशियंट लग रही है मुझे. अच्छी है, इन पे उकाब वगैरह लगा हुआ है लेट से, तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है. ये काफ़ी पुराने बारे में क्लब के मेंबर्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है. लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल्स, मेजर, ब्रिगेडियर, कैप्टन वगैरह के बारे में जिक्र किया हुआ है. तो ये आ जाती है इनकी जो सबसे अच्छी जगह मुझे लगती है, जहाँ पे ये सारा कुछ बताया जाता है पहले कि ये चीज़ है यहाँ. तो देख सकते हैं कि किस तरह का है, बहुत अच्छा है. अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. सारी यहाँ पे हिस्ट्री बताई जाती है कि यहाँ पे नूर महल का क्या है, बहावलपुर किस तरह बना वगैरह एक्सेट्रा, जो भी है ये चीज़ें बताई जाती हैं. नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं हम इसके अगले मेन हॉल की तरफ. तो मेन हॉल आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या है. ये है इसका जहाँ पे नवाब साहब जो है वो बैठते थे और बहुत ही प्यारा है. तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ ये देखिए सी, तो बहुत ही एलिगेंट किस्म का बनाया हुआ है. इसकी जो आप वॉल्स चेक करेंगे ऊपर टॉप की, रूफ की, वो तो बहुत ही प्यारी. तो
बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। नवाब साहब बैठे हुए हैं इधर, तो अच्छा ही है, तो बहुत अच्छा बनाया हुआ इन्होंने। मैं बस टाइम का मैंने कहा कि उन्हें यहाँ पे इसको एक्सप्लोर किया जाए अगेन। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये इनका नेक्स्ट लुक है, वाह। तो ट्रिप्स वगैरह भी आते हैं, ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे गेट शेड्स बने हुए हैं। फर्स्ट वन जो है वो आ जाएगा बाबी फरीद, सेकंड वन अहमदपुर गेट आ जाएगा, देन बोहरी गेट, ये इसका टोटल आ जाएगा। बोहरी गेट से देख होते हुए हम आ जाएंगे मुल्तानी गेट, ये तो आप सब जानते ही हैं इस गेट को, बिकॉज मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ तो डेफिनेटली बात है। फिर हम कॉरिडोर एरिया में आए थे हैं जहाँ पे काफी कुछ हमें दिखाया हुआ, आर्मी एफर्ट्स वर्ड्स है, हेरिटेज प्रिजर्वेटिव जो है उन्होंने किया हुआ है काफी, तो अच्छा है। ये इनके कुछ नवाब से उनकी तस्वीर वगैरह आ जाएंगे, तो ये इसका फुल लुक है। तो यहाँ से ये भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मशहूर है। बेसिकली जो यहाँ पे मशहूर है ना वो ये तीन चार महल हैं जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। एक तो नूर महल है जहाँ पे हम मौजूद हैं इस टाइम, देन आफ्टर देन जो है ना वो दरबार महल आ जाएगा, निशाद महल आ जाएगा और गुलजार महल। मैंने इनके बारे में तारीफ सुनी हुई है, दरबार महल जो है सेम सिमिलर लाइक है नूर महल के, जैसे कि नज़र भी आ रहा होगा ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन टाइप बिल्कुल डिज़ाइन वगैरह सेम से, थोड़ा बहुत चेंज है ठीक है, जिसको निशाद महल और गुलजार महल भी बोला जाता है। नेक्स्ट एक और भी है वो उसको बोलते हैं हम फारूक महल, एंड बारादारी है जो है हम आ जाते हैं उस एरिया में। हाँ वाह, बट चेक करो बस आगे, तो बहुत अच्छा है, फिट है। सी इसके साथ ही जो है रूम का अटैच किया हुआ है, इनके सोने के लिए कमरा वगैरह है। आफ्टर देन जो है उसके साथ ही इन्होंने दरवाज़ा दिया हुआ है जो प्लेइंग एरिया है, जहाँ पे आप जो है वो स्नूकर स्नूकर जो है वो खेलते थे पहले। तो अब जो है यहाँ पे तस्वीर वगैरह भी है काफ़ी अच्छी लगाई हुई है कैदम की, क्योंकि कैदम जो है वो स्नूकर पसंद थी, उनको खेलते हैं काफ़ी। ये इसका भी वजह है, इसके साथ अटैच रूम है, उस रूम में क्या है यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है काफ़ी कुछ है, तो मैं बता देता हूँ क्या है। एक तो फर्स्ट खाना काबा की फ़ोटो लगाई हुई, तो एक तो यह की सेकेंड जो है गिलाफ काबा है, ये इन्होंने दिया 1935 में जो है नवाब सादिक ने जो है ये परचेज़ करके यहाँ लगवाया था, ये आ जाएगा। बाकी कुछ स्टैम्प्स वगैरह हैं ओल्ड वगैरह देख सकते हो, काफ़ी ओल्ड जो है वो स्टैम्प्स आ जाएंगे, और स्टेट ऑफ बहावलपुर सीन बहुत ही मतलब के अच्छा। और ये मुझे नहीं पता ये क्या है, तो दिस इज कॉल्ड आई हेड यहाँ से बहावलपुर के सिक्के, ये सिक्के भी आ जाएंगे हमारे पास। ओके, ये कुछ कागजात वगैरह होंगे, स्टाम्प पेपर्स वगैरह, बैंक चेक्स और बहुत कुछ है, मतलब काफ़ी पुराने जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिजर्व करके रखे हुए। आफ्टर दिन जो है वो आ जाते हैं ये चीज़ जिसमें तलवारें वगैरह हैं शामिल ठीक है, बुगल है, उसके अलावा कैंडल कैंडल स्टिक होल्डर है, शाफिंग डिश है ये, और काफ़ी सारे जो है ना वो स्वॉर्ड्स वगैरह जो है रखे हुए हैं, डैगर्स वगैरह भी इनके पास मौजूद हैं। ये कुछ ड्रेसेस हैं, आर्मी यूनिफॉर्म्स हैं इनके पुराने, काफ़ी अच्छा है। जो मेन मुझे यहाँ एक और लगा ना वो ये कैमरा है यार, ये मैंने लास्ट टाइम भी देखा तो मुझे बहुत पसंद आया था। ओके, तो यहाँ से फिर अब आगे जाते हैं, काफ़ी कुछ है गाउन शान हुक्का शुक्का बनाया हुआ है उन्होंने, टाइल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं ओरिजिनल टाइल्स हैं। यहाँ से इस कमरे में आते हैं ठीक है, तो यहाँ जो है वो कुछ चीज़ें दिखाई हुई हैं लाइक ज्वेलरीज वगैरह हैं पुरानी वगैरह, तो कुछ पुराने जेवरात पेंडेंट नेकलेस इयररिंग ठीक है, और कलर नेकलेस वगैरह ये दिखाए हुए हैं, और कुछ यहाँ पे आए तो पोल्ट्री का कुछ चीज़ें काफ़ी हैं पुरानी वो दिखाई हुई हैं। घड़े वगैरह का तो पता है हमें क्योंकि हमारे घर में यूज़ वगैरह होता था, तो इसलिए नेक्स्ट में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे है, नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास चुनरी वगैरह जो यहाँ का कल्चर है, राजस्थानी स्टाइल का कल्चर है। और ये देखें स्नेक चार्मिंग, ये उसको बांसुरी जिसको बोला जाता है,
यू आ जाता है, ये भी कन है जहाँ पे स्नेक वगैरह को डालता है, चाबा बोलते हैं, तो ये आ जाएगी जगह, ये चीज़ है। और वैसे एक बात बताता जाऊँ, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे लगा हूँ। हाँ सही है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये चीज़, इसको बोलते हैं किला दड़ावर, ठीक है ये वाला तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, यहाँ से दूर है लेकिन वो इसी रीजन में ही आता है, तो ये बहुत प्यारा है, जो भी आया वो यहाँ पे आया बहुत फिट किस्म का बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेस आ जाएगी वो ये चीज़ आ जाएगी, इसमें हमारे पास स्पिनिंग व्हील और ये चीज़ दिखाई हुई है, पुराने ज़माने में धागा वगैरह जो है वो इस तरीके से बनाया जाता था। ओके व्हील से आगे आ जाओ तो यहाँ पे कुछ हमारे पास कैमल डेकोर, ये ना कैमल्स वगैरह के साथ जो होता है, जाहिर सी बात है सराई इलाका है थोड़ा सा तो रेगिस्तान है, तो ये चीज़ें जो है कैमल्स वगैरह में लगाई जाती थी, उनके साथ डेकोर वगैरह का तो खूबसूरती वगैरह आ जाती थी। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज़ें हैं इसमें, और मेन चीज़ एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत इन्होंने कल्चर वगैरह का दिखाया हुआ है कि यहाँ पे इस तरह के ट्रेडिशन हैं। और एक और मेन चीज़ है आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से मिल जाए, ये हमारे पास देखो चक्की है, इसको बोलते हैं चक्की, ठीक है हैंडमेड है इस, ये भी इसको नाम दूसरा बोला जाता है, तो ये पुराने दौर में इस तरह का यूज होता था, तो मैंने वैसे इसको यूज हुए भी दिखा नॉर्थ इंडिया में जब किया था। बाद यहाँ से थोड़ा सा निकलोगे तो बाहर आ जाते हैं, और आफ्टर देन जो है इसके एक और आ जाएगा, यहाँ पे कुछ क्राफ्टिंग वगैरह का भी नो फोटोज वगैरह भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करवा सकते हैं। ये बहुत ही फिट किस्म का है, क्राफ्टिंग का डेकोरेशन की पीसीस वगैरह, और बहुत ही हैंडमेड किस्म के यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत ही सी यहाँ पे काफी चीजें जो है वो दिखाई हुई है, नूर महल है, बादशाह मॉस्क है, दीप है, बाबे खैबर हो गया, हमारे पास फैसल मॉस्क हो गया, ताजमहल, ताजमहल भी यहाँ पे बेसिकली, ताजमहल भी यहाँ पे है, देखिए पाकिस्तानी ताजमहल भी, इंडिया का ताजमहल यहाँ पे पाकिस्तान पहुंचा हुआ है भागलपुर पे, तो बहुत अच्छा है। तो ये जो भी है यहाँ पे आप शॉपिंग की तरफ चाहें, इसके बहुत अच्छा डेकोरेशन पीसेस यहाँ मौजूद है। चलते हैं तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ये इसका एरिया बना हुआ है, और यहाँ से मैं देखा इस टाइम वैसे जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी ने तो गर्मी ने सही बैंड बजाई हुई है मेरी इस टाइम। और पीछे देखो तो ये सीन है पूरा महल का, इसको नूर महल बोला जाता है, बेसिकली बहुत अच्छा है, बहुत फिट है, तो आप लोग भी आना यहाँ पे, काफ़ी इंजॉयमेंट है। इसके साथ अगर देखें तो यहाँ पे और भी पोर्शंस कुछ हैज वैन, ठीक है 1935 में जी यहाँ पे ला के रखी गई थी बोगी, और भी थोड़ा सा पुराना टच दिया हुआ है, वही इसको संभाल के यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने, कारावैन जो है वो बोलते हैं कारवान, अच्छा है 1935 में ये इसकी हिस्ट्री है जो बनाई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए हमारे पास तो ये आ जाता है हमारे पास रॉयल बग्गी है, तो यहाँ पे जितने भी रॉयल वगैरह के जो कहानीज होती थी जाते थे सफ़र वगैरह वो इस पर की जाती थी, बहुत ही प्यारी गाड़ी है, रॉयल बग्गी बोला जाता है इसको, तो बहुत ही फैब है। बेसिकली हमें यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, ये व्यू है नूर महल का, सी वाह, तो बहुत अमेजिंग है, परफेक्ट प्लेस है, आप आए यहाँ पे विजिट करें। 150 में जो है वो आपको ये सब कुछ मिलेगा, इसकी एंट्रेंस जो है वो 150 में है, अगर आप किसी ने आर्ट्री वगैरह करनी हो जैसे स्टार्ट में मैंने की है तो उसके जो है वो 50 पर पर्सन चार्जेस हैं, आपको 3 जो है शॉर्ट्स वो मिलते हैं, इसी तरह जो है आपकी दूसरी और चीज़ें भी आ जाती हैं, शॉर्ट्स वगैरह हैं, गन शॉट वो चीज़ें भी आ जाएंगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा नूर महल में। भाई रेस लगाते हुए देखते हैं पहले कौन जीतता है, तो अच्छी बात है यहाँ टाइप का रखा हुआ है कुछ, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे होटलिंग आएगा सोती होगी रात के टाइम जो है, अब आई डोंट नो कि इंडस क्वीन के नाम से है कैसे ये जगह इन्होंने रखी हुई है, काफ़ी अच्छा है, यहाँ से परफेक्ट बैकग्राउंड नज़र आता होगा परफेक्ट, ये देखें, और ये यहाँ पर रात के टाइम जो है आप डिनर वगैरह कर सकते हैं,
बहुत अच्छी लाइट्स वगैरह भी होंगी यहाँ पे, रात को तो वैसे भी आपको पता है नाइट्स यहाँ पे चलती है लाइट्स वगैरह, एक बहुत ही परफेक्ट किस्म का शॉट आ सकते हैं। हल्की फुल्की सी आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या है। अच्छा, वेडिंग सेरेमनी, बिजनेस मीटिंग, ब्यूटीज वगैरह ये यहाँ पे मौजूद हैं। इंडस क्वीन जो है उसका नाम दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे आर्चिंग जो है वो भी की जाती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा आर्चिंग खेलने नहीं आती, तो भाई साहब को मैंने कहा यार मुझे थोड़ी सी बता दो कि आप किस तरीके से इसको पकड़ा जाता है और लाइक खेला जाता है। तो असल में इशू ये आ रहा था कि मुझसे ना ये पकड़ा नहीं जा रही थी सही तरीके से ना, तो ट्राई कर रहा था मैं करने की, लेकिन मुझे हो नहीं रहा था मुझसे। सो लेकिन अच्छी गेम है ये। सो आप लोग भी आओ अपने बच्चों के साथ यहाँ पे और इस गेम को लाजमी इंजॉय करो, बहुत ही मज़े की गेम है। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इसके अलावा जो है मैं अगेन ट्राई करने लगा था, उसको अगेन पुल किया मैंने तो हो नहीं रहा था। मैं ट्राई की थी एक, वो कैप्चर नहीं हुआ तो वो उसी टाइम नीचे मुझसे गिर गया। तो टफ गेम है, ईजी नहीं है बट अच्छी है। बच्चे की गेम में चेक कर रहा था, शूटिंग कर रहा था, बहुत अच्छी थी तो इसने शॉट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो आज के लिए जो है वो इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।